जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दैनिक राशिफल। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में क्या खास बताने वाली हूँ कि आज के दिन वो कौन से 5 चीज़ है जो कभी नहीं खरीदने चाहिए। इन चीज़ों की खरीदारी से शनि देवता नाराज होते हैं, तो ये जानकारी आपको मैं वीडियो के आखिर में दूंगी। पहले जान लीजिए अपना पंचांग जो आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। तारीख है 3, दिन है शनिवार, माह है आषाढ़, पक्ष है कृष्ण, तिथि की बात करें तो वह है नवमी, नक्षत्र है रेवती, चंद्रदेव आज मीन राशि में रहेंगे। वहीं अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 11:57 से 12:52 तक अभिजीत मुहूर्त है। राहुकाल की बात करें तो प्रातः 8:56 से 10:40 तक राहुकाल चलेगा। दिशाशूल पूर्व दिशा में है। वहीं चंद्रबल की बात करें तो वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशियों में चंद्रबल देखने को मिलेगा। सूर्योदय प्रातः 5:27 पे, तो सूर्यास्त शाम को 7:22 पे। ये हो गई पूरी पंचांग की जानकारी। अब बताएंगे आपको आपका राशिफल जो कि चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग अपने कमेंट बॉक्स में निजी समस्याओं को लिखते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपकी हर एक समस्या का समाधान है हमारे पास, और वो मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप हमारे पैनल पर पहुंचेंगे, जहां देश और दुनिया के तमाम अनुभवी और विद्वान ज्योतिषी मौजूद हैं, जो आपकी जो है प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ेंगे और उसका समाधान देंगे। तो अभी क्लिक कीजिए उस लिंक पर और बात कीजिए हमारे ज्योतिषियों से। बाकी आज शनिवार का दिन है, तो भगवान शनि को समर्पित होता है शनिवार का दिन। भगवान शनि को तीनों लोकों में न्याय के देवता का दर्जा प्राप्त है। मान्यता है कि भगवान शनि सभी जातकों को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शनि देवता भगवान सूर्य और छाया के पुत्र हैं, लेकिन शनि अपने पिता से बैर रखते हैं। वैदिक ज्योतिष में शनि को एक पापी ग्रह का दर्जा प्राप्त है। सभी ग्रहों में शनि की चाल सबसे धीमी है। सनातन धर्म में भगवान शनि न्यायप्रिय देवता के तौर पर जाने जाते हैं, और उन्हें लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। छोटी सी गलती पर भी वो दंड देते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि भगवान शनि को समर्पित शनिवार के दिन हमसे जाने अनजाने में कोई भूल ना हो। आज इस वीडियो में मैं आपको उन 4 चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ जिसे शनिवार के दिन यदि खरीदा जाए तो भगवान शनि रुष्ट हो जाते हैं। तो पहले जान लीजिए अपना राशिफल जो कि चंद्र राशि पर आधारित है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। स्वास्थ्य के मामले में आज आप लकी रहेंगे, और कोई भी बीमारी आपको आज परेशान नहीं करेगी। आपके चाल में तेजी होगी और आप ऊर्जा से भरे रहेंगे। आपका साहस बढ़ा हुआ रहेगा, जिससे आप हर कार्य को पूरे जोश के साथ करेंगे। आपका दिमाग आज नई नई चीज़ों को ग्रहण करने के लिए खुला रहेगा, और इससे आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आएंगे, और ये विचार ही आपके लिए तरक्की का रास्ता खोलेंगे। आज आपका आर्थिक जीवन पहले से बेहतर रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि काम में लापरवाही कीजिए। आर्थिक लाभ होने से न केवल आपका मन प्रसन्न रहेगा, बल्कि आप अपने कर्मचारियों से भी खुश रहेंगे। आज के दिन पारिवारिक मामलों के लिए दिन काफ़ी सकारात्मक रहने वाला है। अपने घर के किसी ऐसे मामले जो काफ़ी समय से लंबित पड़े हैं, उन्हें निपटाने के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा है। प्रेम में पड़े इस राशि के जातकों के लिए भी दिन अच्छा है। आज आपको महसूस हो सकता है कि प्यार से खूबसूरत एहसास इस दुनिया में और कोई नहीं है। शाम का वक्त आप अपने प्रेमी के साथ गुजारने का आज प्लान बना सकते हैं। वहीं इस राशि के मैरिड लोगों की बात करें तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से दिन बढ़िया गुजरेगा। साथ में एक अच्छी शाम गुजारने की योजना बनाएं। वहीं बात करें हमारे छात्रों की, तो आज के दिन अच्छे परिणाम मिलने की पूरी उम्मीद है। आज आपकी रचनात्मकता भी चरम पर होगी। वहीं इस राशि की गृहिणियों की बात करें तो आज वैवाहिक जीवन के उजले पहलू का आप अनुभव कर सकती हैं। शुभ अंक जान लेते हैं आपके लिए लकी नंबर। तो आज के दिन आपके लिए लकी नंबर है 5, लकी कलर है हरा और फिरोजी, और उपाय के तौर पर आज के दिन योग और ध्यान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। सेहत के लिहाज से आज का दिन इस राशि के जातकों के लिए अच्छा रह सकता है। दूसरों के साथ खुशी बांटने से सेहत और खिलेगी। वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से भी दिन शानदार है। बात करें पारिवारिक जीवन की, तो भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन धन के अभाव में घर का कोई महत्वपूर्ण कार्य आज बीच में रुक सकता है, अटक सकता है। प्रेमी जातकों की बात करें तो आज आप पार्टनर के साथ ज़्यादा वक्त गुजार पाएंगे। दिल की बात जो है साझा करने में आज संकोच ना करें उनके साथ। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी आपकी भावनाओं को समझेगा और हर मोड़ पर आपका साथ देगा। आज आपको उनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्यार आ सकता है। वहीं इस राशि के बात करें छात्रों की, तो आज के दिन जो है आपको थोड़ा सा जो है अपनी खूबियों को जानने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सलाह यही दूंगी कि खुद को पहचानने की कोशिश करें। पढ़ाई में आज थोड़ा सा कम ध्यान देंगे, लेकिन आज का दिन जो है ऐसा रहेगा कि आप खुद में खोई रहेंगे। गृहिणियाँ आज घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए कुछ बदलाव कर सकती हैं। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग है भूरा और सलेटी, और उपाय के तौर पर आज के दिन जो है हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। सेहत के लिहाज से दिन अच्छा है। आज आपकी सारी थकान दूर हो सकती है। आज आपको मानसिक तनाव से छुटकारा मिल सकता है। वहीं बात करें पैसों की, तो आर्थिक पक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है, कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। वहीं फैमिली लाइफ की बात करें, पारिवारिक जीवन की बात करें, तो आज का दिन काफ़ी सकारात्मक रहेगा। आज के दिन आप पेंडिंग पड़े कार्यों को
पूरा करेंगे। वहीं प्रेमी जातकों की बात करें तो आज के दिन प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी। आज आप ऐसी बातें करना आपको चाहिए जो प्रेमी को पसंद आती हो। वहीं मैरिड लोगों की बात करें तो आज आपको महसूस होगा कि आपके जीवन साथी का व्यवहार आज से बेहतर पहले कभी नहीं था। इस पल का पूरा मजा लें और संभव हो तो अपने जीवन साथी के साथ कोई बढ़िया सी फिल्म देखने जाएं। छात्रों को उनकी मेहनत का आज फल मिलने वाला है, लेकिन आप पढ़ाई पर आज ज्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे और उसकी वजह होगा घर का माहौल। गृहिणियों के जो काम अटके पड़े थे उन्हें आज वो पूरा करने का बीड़ा उठा सकती हैं और पूरे जोर शोर से काम कर सकती हैं। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद। उपाय के तौर पर भगवान में विश्वास रखें और मानसिक हिंसा करने से बचें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। सेहत के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आपको अपनी गुप्त बीमारियों पर ध्यान देने की जरूरत होगी। कहने का अर्थ यह है कि यदि आपको माइग्रेन, बीपी, शुगर आदि से संबंधित कोई भी बीमारी है तो आज आपको अपनी दवाई और जांच समय पर कराने की जरूरत होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज का दिन आपके लिए शुभ समाचार लेकर आएगा। वहीं पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन जो है ज्यादा अच्छा नहीं है। आज घर का कोई सदस्य किसी पुरानी बात को लेकर आपसे झगड़ सकता है। प्रेम जीवन में पड़े जातकों को संभव है आज अपने लव पार्टनर से कुछ खास तोहफा मिले। वहीं आज के दिन जो है हमारे मैरिड लोगों की बात करें तो जीवन साथी किसी फरिश्ते की तरह आपका ध्यान रखेगा। जीवन साथी के साथ आज आप बेहद सुकून और प्यार भरे पल गुजार पाएंगे। वहीं बात करें छात्रों की तो आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज अपनी रचनात्मकता का आप पूर्ण इस्तेमाल कर पाएंगे। बात करें गृहिणियों की तो कुछ घरेलू मामलों को लेकर आज आप अपने जीवन साथी से बातें कर सकती हैं। समस्याओं का हल निकालने के लिए खुलकर बातें करें। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। और उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है, पैर में जूते या चप्पल पहनकर खाना ना खाएं, निकालकर तभी खाना खाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। आज सेहत के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप मानसिक और शारीरिक तौर पर थकान महसूस कर सकते हैं। वहीं आर्थिक रूप से खुद को पैसों के बोझ तले दबा हुआ आप महसूस करेंगे। अचानक आए किसी खर्चे की वजह से आज आर्थिक तंगी का आपको शिकार होना पड़ सकता है। वहीं इस राशि के लोगों के घरेलू मामलों पर आपको तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। परिवार के मामलों में पूरी दिलचस्पी दिखाएं और यदि आपकी आवश्यकता हो तो हर काम में मदद करें। आज के दिन किसी भी काम में लापरवाही ना बरतें, क्योंकि लापरवाही आपको काफी महंगी साबित हो सकती है। प्रेम जीवन में एक नया मोड़ आ सकता है जो प्यार और रोमांस को नई दिशा देगा। वहीं आज आप अपनी इच्छाओं को किनारे कर कुछ काम दूसरों के इच्छा अनुसार भी करें। ऐसा करके आप जो है आपकी सकारात्मक छवि तो बनेगी ही, साथ ही आप दूसरों के लिए मददगार भी साबित होंगे। जो लोग वैवाहिक जीवन में प्रवेश पा चुके हैं उनके लिए आज दिन सुहावना रहने की उम्मीद है। आज अपने मन में छुपी बातों को आप अपने जीवन साथी से शेयर कर सकते हैं। बात करें छात्रों की तो आज के दिन जो है जो घर से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं गलत संगत में हैं, तो आज के दिन आपको मन चाहा परिणाम नहीं मिलेगा। थोड़ा सा अपनी संगति पर ध्यान दीजिए। गृहिणी आज के दिन बहुत अच्छे मूड में रहेंगी और अपने पति को अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी कोशिश करेंगी। चलिए जान लेते हैं आपके लिए शुभ अंक, वो है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी। और उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है, आज के दिन आपको लाल रंग की बोतल में पानी भरकर उसे धूप में रखना है और उस पानी का सेवन करना है, हेल्थ अच्छी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। किसी बात को लेकर आप मानसिक रूप से संभवतः तनाव में रहेंगे, लेकिन दिन के अंत तक आपको सभी तनावों से मुक्ति मिलेगी। आर्थिक जीवन को आज देखें तो उसमें उतार चढ़ाव बना रहेगा। यह आपके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर करता है कि आप अपने धन को किस तरह बढ़ाते हैं। फैमिली लाइफ की बात करते हैं, पारिवारिक जीवन की, तो आज के दिन आप परिवार के भविष्य को सुधारने के लिए कुछ काम कीजिए। हालांकि पारिवारिक जीवन अच्छा है, कोई खुशखबरी मिल सकती है। वहीं अब बात करें प्रेम जीवन की तो आज के दिन अपने प्यार का इजहार करना बिल्कुल ना भूलें अपने लव पार्टनर के साथ, नहीं तो उनको ऐसा लगेगा कि आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आज जीवन साथी के और पारिवारिक सदस्यों के बीच आपको तालमेल बिठाने की जरूरत होगी, नहीं तो कहा सुनी हो सकती है उन दोनों के बीच में। छात्रों को आज कुछ रचनात्मक कार्य करना चाहिए, इससे आपके ज्ञान के भंडार में वृद्धि होगी। वहीं जो हमारी इस राशि की गृहिणियाँ हैं, आज के दिन आपके चारों ओर लोगों का जमावड़ा रहेगा। आज लोग आपकी चीज़ों से हैरान रह जाएंगे। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला। और उपाय के तौर पर दादी या किसी बुजुर्ग महिला की सेवा करें, प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। स्वास्थ्य की बात करें तो आज के दिन अपनी सेहत को नज़रअंदाज करना आपके लिए काफ़ी मुश्किलें बढ़ा सकता है, इसीलिए अपनी सेहत को लेकर कोई चांस ना लें। बात करें आपके पैसों की तो तंग आर्थिक हालात के चलते कोई अहम काम आज बीच में अटक सकता है। पैसों की इंपॉर्टेंस कितनी है इंसान को बुरे समय में पता चलता है, तो पैसे को संभालना सीखिए। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आज की शाम जो है परिवार वालों के साथ आप अच्छा समय बिताने वाले हैं, आपको सबके साथ अच्छा व्यवहार करने की ज़रूरत है। वहीं जो लोग प्रेम संबंध में हैं आज उन्हें अपने संगी पर आज बार बार प्यार जो है आने वाला है। आज भले ही आप अपने प्रेमी से मिल ना पाएं, लेकिन फ़ोन पर आप उनसे घंटों बातें कर सकते हैं। बात करें इस राशि के मैरिड लोगों की तो आज आपका जीवन साथी आपको अथाह प्रेम का अनुभव कराएगा।
वहीं जो हमारे छात्र हैं आज आपको पढ़ाई में आनंद आने वाला है। गृहिणियों के लिए भी आज का दिन उम्दा रहेगा। शुभ अंक जान लेते हैं, वो है 5। शुभ रंग है हरा और फिरोजी, और उपाय के तौर पर भगवान में आस्था रखें और आज के दिन धार्मिक चीजों में मन लगाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन आज उम्दा है। आज अपनी सेहत में ऐसा कोई बदलाव नहीं आएगा आपके जिससे आपको परेशानी हो। पैसों की बात करें तो यदि आप चाहे किसी पर कितना भी भरोसा क्यों ना करें, आज किसी को भी अपना पैसा उधार में ना दें, नहीं तो इस पैसे को आप खो बैठेंगे। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की, तो परिवार की स्थितियों में सुधार करने से पहले आपको खुद में सुधार करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे समाज में अच्छे बदलाव करने के लिए आपको अपने परिवार में सुधार करना पड़ता है। प्रेमियों की बात कर ले तो इस राशि के जो लोग प्रेम संबंधों में पड़े हैं, उन्हें आज अपने लवमेट से ज़्यादा दिलचस्पी किसी और में रहेगी और इस वजह से आप लोगों के बीच नोकझोंक हो सकती है। आप में एक सकारात्मक ऊर्जा का भी आज प्रवाह हो सकता है। खाली वक्त में आप ऐसे काम करेंगे जिनको करने से आपको खुशी मिलती है। मैरिड लोगों की बात करें तो वैवाहिक जीवन में आज जीवन साथी को आपसे किसी बात को लेकर शिकायत हो सकती है, वह आपके ऊपर गुस्सा भी कर सकते हैं। वहीं छात्रों की बात कर लें तो आज के दिन जो है किसी कारणवश आपकी पढ़ाई में कोई बाधा आने वाली है और इस वजह से आप खुद ही बहुत इरिटेटेड रहेंगे। गृहिणी आज जीवन साथी को खुश करने के लिए बेहतरीन पकवान बना सकती हैं। शाम का समय अच्छा व्यतीत होगा। शुभ अंक है 7। शुभ रंग है क्रीम और सफ़ेद, और उपाय के तौर पर भैरव जी पर मदरा चढ़ाएं, इससे आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन मजबूत दिख रहा है। आज आप अपनी पूरी एनर्जी में रहेंगे। धन की बात की जाए तो आज का दिन सामान्य रूप से काफ़ी अनुकूल रहेगा और यदि आप सूझबूझ से काम लेंगे तो आज अतिरिक्त धन भी जमा कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपको सफलता मिलेगी। आज आप अपने बड़ों से सलाह लेंगे और अपने छोटे सदस्यों को सलाह देंगे। प्रेमी जातकों की बात करें तो आज आपको कुछ अच्छे अनुभव हो गए होंगे। प्यार दो दिलों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन होता है और इसका स्तर भी आत्मीय होता है। आज आप इस बात का पूर्ण रूप से अनुभव करने वाले हैं। कुल मिलाकर प्रेम जीवन आपका बेहतरीन रहेगा। बात करते हैं मैरिड लोगों की, तो आज वैवाहिक जीवन की बात करें तो जीवन साथी आपको धरती पर ही स्वर्ग का एहसास कराएगा। उनके साथ बहुत अच्छा टाइम बिताएंगे आप। विवाह योग जातकों के लिए भी खास दिन है। विवाह प्रस्ताव कहीं से आ सकता है। वहीं जो हमारे इस राशि के छात्र हैं आज खाली समय का भरपूर इस्तेमाल करने वाले हैं। गृहिणियां आज के दिन अपने जीवन साथी के व्यवहार को देखकर थोड़ी सी चकित हो सकती हैं। शुभ अंक है 4। शुभ रंग है भूरा और सलेटी, और उपाय के तौर पर आज के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। शारीरिक रूप से आज आप सेहतमंद महसूस कर सकते हैं। किसी पुराने बीमारी से निजात मिल सकता है। आर्थिक जीवन की बात कर लें तो आज जो है आपके पास धन आ सकता है। किसी को उधार दिया हुआ था तो उसके अलावा वो पैसा मिल जाएगा। कर्ज भी आज आप उतार सकते हैं। पारिवारिक जीवन में किसी दूर के रिश्तेदार से मिलने वाली खबर रोमांच पैदा कर सकती है। वहीं इस राशि के जो लोग हैं आज उनके परिवार में मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकता है। प्रेम का असली अर्थ आज आपको समझ में आने वाला है। मतलब आज आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जो आपको प्रेमी का असली मतलब बताएगी, प्रेम का असली मतलब, प्रेमी की भावनाएं समझाएंगी। नवविवाहित जोड़ों के जीवन में आज कोई खुशखबरी आ सकती है। वहीं दूसरी ओर वैवाहिक जीवन में एक दशक देख चुके जोड़ों को अपनी शादी में रोमांस और रोमांच बनाए रखने की दिशा में कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है जिससे आप दोनों अपने पुराने दिनों को याद कर सके। अब बात करते हैं इस राशि के छात्रों की, तो आज आपका ध्यान पढ़ाई में कम और खेलकूद में ज्यादा लगेगा। वहीं गृहिणियों के लिए आज का दिन शुभता लिए हुए है। शुभ अंक है 4। शुभ रंग है भूरा और सलेटी, और उपाय के तौर पर सफेद चंदन का तिलक मस्तक पर करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। अगर आप किसी शारीरिक बीमारी से ग्रस्त हैं तो इसे इग्नोर ना करें बल्कि वक्त रहते ही डॉक्टरी परामर्श जरूर लें। जहां तक आर्थिक पक्ष का सवाल है तो ग्रह नक्षत्र की स्थिति इसके लिए ज्यादा अनुकूल दिखाई नहीं दे रही, इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि आप धन से जुड़े मामलों में आज सावधान रहें। आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको आर्थिक हानि करा सकती है। वहीं पारिवारिक जीवन की बात करें तो फैमिली में आज आप अच्छे से रहेंगे। भाई बहनों की सलाह आप ले सकते हैं किसी मुद्दे पर। प्रेम के मामले में दिन थोड़ा कमजोर है, इसीलिए अपने प्रियतम से आज मिलने पर अत्यधिक जोर ना दें। फोन आदि पर ही बातचीत करके दिन गुजार दें। दाम्पत्य जीवन में आज आपको सोच समझकर चलने की जरूरत है। किसी बात के चलते अपने जीवन साथी से आपके मतभेद हैं तो उन मतभेदों को दूर करने की कोशिश करें। वहीं आज आप बचपन की यादों में खोए रहने वाले हैं जो आपके लिए मानसिक तौर पर परेशानी का सबब बन सकती हैं। वहीं बात करें इस राशि के छात्रों की, तो आज के दिन आप अपने उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन के लिए आप अपने आप को प्रेरित करेंगे, यानी आप खुद को आज मोटिवेट करने वाले हैं। गृहिणियों की बात कर ले तो कामकाज में आज आपके घर के छोटे आपकी पूरी सहायता करने वाले हैं। शुभ अंक है 2। शुभ रंग है सिल्वर और सफ़ेद, और उपाय के तौर पर गाय को आज रोटी खिलाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की।
स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरतें। अगर आप शरीर को फिट रखने के लिए व्यायाम नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आहार का उचित ध्यान रखें। आर्थिक रूप से दिन शायद इतना सफल ना हो, लेकिन आपकी समझदारी आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाने में कारगर साबित हो सकती है। आज आपको कुछ ऐसे कार्यों को करने की आवश्यकता है जो भविष्य में आपके आर्थिक पहलू को मजबूत बनाते हैं। यदि इस राशि के लोग जो हैं, आज खर्चों में इजाफा होगा, साथ ही आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी, जो दोनों को बैलेंस कर देगी। पारिवारिक जीवन में भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन धन के अभाव से आप घर का कोई महत्वपूर्ण कार्य करने में असमर्थ दिखाई दे सकते हैं। घर परिवार में बच्चों की मुस्कान आपके चेहरे पर खुशी लाएगी, हालांकि उनके भविष्य को लेकर आज आप चिंतन कर सकते हैं। घर के बुजुर्ग सदस्यों की सेहत आज चिंता का जो है सबब बनेगी, उनका खास ख्याल रखिए। आज के दिन प्रेम जीवन की डोर जो है आप उसको मजबूत बनाए रखने के लिए अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने की जरूरत है। वहीं मैरिड लोगों के जीवन में आज प्यार की बारिश होने वाली है, आप जीवन साथी के साथ कुछ रोमांटिक कार्य कर सकते हैं। वहीं छात्रों को आज अपने साथियों से सहयोग मिलने वाला है और गृहिणियों को आज का दिन काफी आरामदायक बीतेगा। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग है काला और नीला। और उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, आज के दिन कड़वे शब्द नहीं बोलने हैं, झूठ नहीं बोलना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, यानी आज के दिन गलत भावनाओं को मन में नहीं लाना है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। तो दोस्तों, अभी तक तो हमने जाना कि आज का दिन कैसा बीतेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। अब बारी है कि शनिवार के दिन क्या 4 चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, जो हमने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था, तो ध्यान से सुनिएगा। पहली वस्तु है नमक। शनिवार के दिन आपको नमक नहीं खरीदना चाहिए, इससे शनि देव बेहद नाराज होते हैं, जिसका प्रभाव जातकों की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। शनिवार के दिन नमक खरीदने से परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ता है। दूसरा है तेल। शनिवार के दिन आपको तेल नहीं खरीदना चाहिए, शनि देव को तेल बहुत प्रिय है, लेकिन शनिवार के दिन इसकी खरीदारी करने से शनि देव रुष्ट हो जाते हैं। शनिवार के दिन तेल खरीदने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वे जातक जो कुंडली में शनि की 7.5 या 2.5 का प्रभाव जो है सह रहे हैं, उन्हें शनिवार के दिन भगवान शनि को तेल अर्पित करना चाहिए, इससे भगवान शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। तीसरी चीज़ है लोहा। शनिवार के दिन लोहे की खरीदारी को भी सही नहीं माना गया है। मान्यता है कि शनिवार के दिन लोहे की खरीदारी से भगवान शनि आपसे नाराज होते हैं, जिसकी वजह से जातक के जीवन में दुर्भाग्य आता है। ऐसे जातक के बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं, किसी भी कार्य में अत्यधिक मेहनत के बावजूद भी सफलता नहीं हाथ लगती। वैसे जातक जो कुंडली में शनि देवता के नकारात्मक प्रभाव से पीड़ित हैं, उन्हें शनिवार के दिन लोहे का दान करना चाहिए, इससे शनि देवता उन्हें शुभ फल देते हैं। चौथी चीज़ है स्याही। शनिवार के दिन स्याही खरीदना भी निषेध माना गया है। इस दिन आप पढ़ाई लिखाई से जुड़ी और दूसरी चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन स्याही खरीदने से भगवान शनि नाराज हो जाते हैं। आपको बता दें, स्याही से यहाँ तात्पर्य कलम रिफिल आदि से है। ऐसे में शनिवार के दिन चीज़ों का भूल कर भी खरीदारी ना करें, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। और आखिरी चीज़ है कैंची। शनिवार के दिन कैंची खरीदना भी वर्जित माना गया है। मान्यता है कि इससे शनि देवता नाराज होते हैं, जिसकी वजह से जातकों के परिवार में कलह शुरू हो जाती है, मानसिक तनाव बढ़ता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। ऐसे में शनिवार के दिन कैंची खरीदने से बचें। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी खरीदारी भूल कर भी आपको आज के दिन यानी शनिवार के दिन नहीं करनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जाने से पहले जिन लोगों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है या कोई खास दिन है, उनको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो ज़रूर करा लीजिए। और साथ ही अगर कोई जीवन में समस्या है, बात करना चाहते हैं, कुंडली में कोई ग्रह जो है दूषित है, दुष्प्रभाव दे रहा है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है मैंने एस्ट्रो सेज वार्ता का, वहां क्लिक करके आप हमसे बात करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बाकी अपने कमेंट जरूर लिखा कीजिए, मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ, उसका रिप्लाई करती हूँ। बाकी कल की वीडियो में क्या खास मिलेगा आपको, आदत में लाए गए किन छोटे बदलावों से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, शुभ फल मिलता है, यानी अपनी आदतों में किन छोटे बदलावों से हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, तो ये है कल की वीडियो में। तो कल मिलते हैं शाम को 5 बजे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रो सेज टीवी। नमस्कार। फॉर रेगुलर अपडेट्स फॉलो अवर इंस्टाग्राम पेज राइट नाउ।